एक है ज्ञान, जिसको बोलते हैं ज्ञान योग। उसका अल्टीमेट एम क्या है, ये रियलाइज करना कि ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है, इसको ब्रह्मन भी बोलते हैं। ब्रह्मन मीन्स द सुप्रीम रियलिटी। आत्मा भी इसी को बोलते हैं, परमात्मा भी इसी को बोलते हैं, इसी के अलग अलग नाम है। ओम बोलते हैं इसको, ओमकार बोलते हैं, जो गुरु नानक जी ने कहा है ना, एक ओमकार सतनाम, इसी की बात करी है। सतनाम का मतलब क्या, वो जो सत्य है। अभी मैंने बोला संदीप, क्या ये सत्य है, आज है कल नहीं है। ये नाम जिस तरफ इशारा कर रहा है, वो बॉडी भी और ये नाम भी। संदीप, नाम पैदा हुआ और मर गया। नाम मतलब क्या, आवाज। आवाज पैदा हुई और मर गई। ये आवाज जिसकी बात कर रही थी, वो भी पैदा हुआ और मर गया। ये आवाज ना तो पैदा हुई है, ना कभी मरती है। आपने पैदा करी क्या इसको? आपके होने से पहले भी ये थी, आज से हजारों साल पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। इसलिए इसको सतनाम बोलते हैं। अब क्या हुआ, आप लोगों ने एक जंप मार दी। जंप मतलब क्या, कि जहां पर पता नहीं कब पहुंचना था, वहां पर अभी पहुंच गए। अब एक जंप और मार दी है। वो जंप क्या है, कि ये क्या है और मैं क्या हूं। आप समझ गए, उस दिन आपकी रियल स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हो जाएगी। ये तो आपने रियलाइज कर लिया, बट आपके लिए क्या है, एक साउंड ही तो है। आप कहोगे जो भी है, रियलिटी है, ये है वो है, आपके लिए होगी, मेरे को क्या फर्क पड़ता है है ना। अगर मैं कहूं ये आप ही हो तो अभी समझ नहीं आएगा ना। इसको समझना है। जिस दिन ये समझ आ गया, उस दिन सारे डर खत्म हो जाएंगे, सारे डिजायर्स खत्म हो जाएंगे, सेल्फिश डिजायर्स, थॉट्स ना के बराबर रह जाएंगे और आप फ्री हो जाओ। इसको जितना आप गहराई से समझोगे, थ्रू भगवद गीता, वेद, उपनिषद, सूफी जो लोग हैं उनकी बातें सुन सुन करके, पढ़ के, ऐसी बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, तो अगर आपको ये समझ आ जाए बारीकी से कि ये क्या है, मैं क्या हूँ, ये दुनिया क्या है, बॉडी क्या है, माइंड क्या है, भगवान क्या है, ये सारी गुत्थियाँ सुलझ जाए, तो आप समझ जाओ आप बन गए ज्ञान योगी। अब आपको ज्ञान हो गया, इसको आत्मज्ञान बोलते हैं। देन यू आर लिबरेटेड। ये एक रास्ता है, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है। ये उसके लिए है जिसका इंटेलेक्ट बहुत शार्प हो। इंटेलेक्ट का मतलब हम समझते हैं बुद्धि, माइंड बहुत शार्प हो। तो माइंड शार्प कैसे होगा, अगर अभी आप एक स्टूडेंट हो तो पहले लाइफ में कुछ करो, तभी तो माइंड शार्प होगा। अगर आप कुछ कर ही नहीं पा रहे अपनी लाइफ में, तो आपका माइंड एक जगह पर टिकेगा कैसे? आपका ध्यान बार बार कहाँ जाएगा, पैसे की तरफ जाएगा, करियर की तरफ जाएगा, जॉब की तरफ जाएगा, और चीज़ों की तरफ जाएगा। लेकिन लाइफ में एक बार आप सेट हो जाते हो, जिसके लिए अगेन बहुत समझदारी चाहिए। अगर आप बिजनेस भी करते हो, बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए, पैसा। ये गलत फहमी है। बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है और सब लुटा देते हैं बिजनेस में। बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। मैंने भी 12,000 रुपए से अपनी करियर की शुरुआत करी थी। समझदारी चाहिए, समझ चाहिए, जो काम आप कर रहे हो उसकी समझ। अगर वो है तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। अब अगर आप समझदारी से बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो, तो अगर आप वहाँ पे जाकर के अटको नहीं, जो पैसा आया उससे चिपको नहीं, तो आप समझदारी से ये भी जान सकते हो कि मैं कौन हूँ। इसको बोलते हैं ज्ञान योग।